अपनी बॉडी को समेटे हुए बैठा है ये। आप क्या करते बाबा जब सांप को देखे? 20 साल से ज्यादा है, 45 साल तो मेरे इलाज के लिए आपके पास है। मैं आपका अवध बिहारी और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अभी अभी हमें एक कॉल आया है कि एक घर में कोई सांप देखा गया है, तो आइए लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से बचाते हैं और देखते हैं सांप कौन सा है और कहां पे है। और इससे पहले हम उस सांप का रेस्क्यू करें, मिलाते हैं हम आपको उन शख्स से जिन्होंने हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। आप ही कॉल कीजिए। मेरा नंबर वही कर रखा था। अच्छा, आपका नंबर? मेरे पास नंबर नहीं था। हाँ, वो फोन किया तो शायद आपको पता नहीं था भैया, एक बार और रिश्यू करने आया था जी, तो उस समय आपका नंबर लिया था मैं। हाँ, तो आपका नंबर ऐसी ट्राई करके देखा तो मैं भैया लग गया, तो आपको ना कॉल करके मैं उसी समय आपको तो कहाँ पे देखा था आपने सांप को? अंदर में सर, लाइट के अंदर। अच्छा, तो जैसा कि बाबा बता रहे हैं ये यहाँ पे जड़ी बूटी पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं। और क्या क्या चीज़ का इलाज करते हैं आप? आयुर्वेदिक वाला हूँ दादाजी, मैं धात मिर्गिन बाल बच्चा। हाँ, गठियाबाद झुंझुनीबाद ये वाला पूरा दवा करता हूँ। सांप वाला नहीं कर रहा, सांप बिच्छू वाला का मैं। अच्छा, नहीं करता। तो चलिए दिखाइए हमें। तो आइए दोस्तों देखते हैं बाबा जी का जहाँ पे इन्होंने सांप को देखा था। आप क्या कर रहे थे बाबा जब सांप को देखे? साफ सफाई कर रहा था मैं। हाँ, तो वो सर पर दिखा मेरे को, घर से आया। हाँ, घर से निकला। हाँ, और मैं देख रहा था तो मैं डर के मारे भाग गया। अच्छा अच्छा, सांप का डर होता ही ऐसा बाबा जी कि मतलब अच्छे अच्छे इंसानों को डरा देता है वो। हाँ, तो चले देखते हैं हम सांप कहाँ पे है। यहाँ से कहीं बाहर तो नहीं भागा सांप? नहीं नहीं, नारियल में घुसा है। और ये जो बाबा जी जो सांप की जो बांबी बनी हुई है ये पुराना है। मतलब पुराना है ये? पुराना है। कितना पुराना है ये? ये तो 20 साल से ज्यादा है, 45 साल तो मेरे से रहे, 45-50 साल। जी जी, ये भी चल रहा था, वो पहली बार दर्शन किया मैं। तो ये सांप आता कहाँ से है? ये बिलर से आता है, इधर से। कहाँ? यहाँ ऊपर से? ऊपर से इधर आता है। मतलब इनका आना जाना लगा रहता है ऐसा? हाँ हाँ, आना जाना लगे रहता है। और दो चार ठन है, नागपंचमी भी निकलता है। हाँ हाँ हाँ, तो जैसा कि बाबा बता रहे हैं सांपों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज इन्होंने साक्षात सांप को देख लिया और काफी भयभीत है ये। तो चलिए बाबा के भय को दूर करते हैं और देखते हैं सांप कहाँ पे है और उसे निकाल के ले चलते हैं हम यहाँ से। थोड़ा दिखाइए तो इधर। कहीं बिल बाल में तो नहीं घुस गया बाबा ये? नहीं नहीं, नारियल में होगा। अच्छा, कहाँ? यहाँ उतरते हुए देखे इधर? हाँ, अंदर में घुसा है, उधर से आया तो इधर नारियल के अंदर में है। तो सांप कहीं भी हो सकता है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम। और जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे सांप दिखाई दे चुका है। और देखिए किस प्रकार ये इस नारियलों के ढेर में अपनी बॉडी को समेटे हुए बैठा है ये। और अच्छा हुआ कि बाबा की नज़र इस पे पड़ गई, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता था। बाबा सवेरे से यहाँ लोग आ रहे होंगे ना और इलाज के लिए आपके पास? हाँ, कितने लोग आ चुके होंगे अभी तक? अभी 15-20 आदमी। देखिए 15-20 आदमी जैसे बोल रहे हैं बाबा यहाँ आ चुके हैं। और देखिए किस प्रकार ये अपनी बॉडी को बार बार इन नारियलों के बीच में समेट के छुप जा रहा है ये। जल्दी हमारे हाथ नहीं आ रहा ये सांप।
और इस प्रकार के रिस्क काफ़ी खतरनाक होते हैं। हमें अपनी सावधानी का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी एक चूक हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बाबा, ये नारियल भक्त लोग चढ़ाते होंगे ना आपके पास जाके? नारियल जाता है मार्केट में, अच्छा, में 350-400 नारियल आता है डेली, अप डाउन वाला हमें डेली आता है नारियल अगरबत्ती। और देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सांप का सांप मिल चुका है यहाँ पे। और जैसा कि बाबा बता रहे हैं, ये काफी पुराना सांप यहाँ पे, काफी दिनों से यहाँ पे ये बाबा को यहाँ इसका आना जाना लगा रहता है, और आज अचानक बाबा की नज़र इस पे पड़ी और इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया यहाँ पे। और किस प्रकार देखिए अग्रेसिव हो रहा है ये, बार बार बाइट करने की कोशिश करता हुआ ये। और देखिए किस प्रकार ये बाइट कर रहा है हमारे जूतों पे, और इसने अपना काफ़ी जहर काफ़ी मात्रा में हमारे जूतों पे अपना जहर वेस्ट कर दिया है। तो चलिए अब से हम निकालते हैं बाहर। इसे भारतीय नाग के नाम जाना जाता है, और इसमें हीमोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है जो काफ़ी खतरनाक होता है। अगर इसके काटने के बाद इंसान को तुरंत डॉक्टरी इलाज ना मिले, डॉक्टरी सहायता ना मिले, तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और देखिए किस प्रकार अग्रेसिव है ये, अपना सारा गुस्सा हमारे ऊपर जाहिर कर रहा है, और बार बार बाइट करके ये हमें आगाह कर रहा है कि मुझसे दूर रहिए, नहीं तो मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। अच्छा बाबा जी, आप किस चीज़ों का इलाज करते हैं यहाँ पे? वैदिक वाला होना था, मिल्कि दांत, बाबा सिर, पत्थरी, बाल बच्चा, हाँ ये वाला जड़ी बूटी कूट के देता हूँ। अच्छा, और आप सांपों का भी इलाज करते हैं? नहीं नहीं जी, वो वाला नहीं कर, सांप बिच्छू वो वाला काम नहीं करता हूँ मैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि बाबा यहाँ पे धात, मिर्गी और अन्य प्रकार की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते हैं, पर ये सांपों का कोई इलाज नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। और बाबा जी, इनके पास जब भी कोई सांप काटा, कोई सर दर्द के पीड़ित कोई व्यक्ति आता है, तो उसे डॉक्टरी सलाह की सलाह देते हैं ना आप? जी जी, सरकारी डॉक्टर में जाओ, हाँ, तो करवाओ, मेरे पास कोई जड़ी नहीं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है बाबा, सांपों का काटा हुआ का कोई जड़ी बूटी कोई इलाज नहीं है, इनका सिर्फ एक ही इलाज है एंटी वेनम। सरकारी अस्पताल जाओ, वहीं पे आपके हमारे प्राणों की रक्षा होगी। मैं बहुत आदमी को सूचना दी हूँ, मेरे पास बहुत केस आता है ये वाला जी, मैं सरकारी डॉक्टर के पास जाओ, सलाह करो, ये वाला आप काम करो भाई, डॉक्टरी इलाज साफ चावे उसके लिए। बिल्कुल सही करते हैं बाबा जी, क्योंकि जड़ी बूटियों में इसका इलाज है भी नहीं, और लोग आज भी अंधविश्वास में झाड़ फूक बैगा गुन्नी के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये केस ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में बाबा, ये अंधविश्वास ज़्यादा ही फैला हुआ है। अब इसे हम पैक करते हैं और ले चलते हैं इनको सुरक्षित इनके प्राकृतिक परिवास में, ताकि इनकी भी जान बची रहे और इससे इंसानों की भी जान बची रहे। जैसा कि हम शुरू से लोगों को बताते आ रहे हैं, जागरूक करते आ रहे हैं, कि जब भी उनको सर्प दंश की घटना हो, सांप बाइट करे, तो किसी झाड़ फूक बैगा ओझा गुनी के चक्कर में ना पड़े, सरकारी अस्पताल जाएं। और इसी बात का समर्थन हमारे बाबा जी भी करते हैं, ये इनके पास भी काफ़ी सारे लोग आते हैं झाड़ फूक तंत्र मंत्र करने, सांप काटे पर, और ये भी उनको यही डॉक्टरी सलाह का ही मशवरा देते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के बेजुबानों को बजाते हुए। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।